The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हम बात करेंगे SGOT पे, serum glutamic oxaloacetic transaminase test. SGOT, serum glutamic oxaloacetic transaminase, यानी के एएसटी एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज, ये उसका दूसरा नाम है। ये भी एंजाइम आपके लिवर में पाया जाता है और जब लिवर डैमेज होता है ये एंजाइम भी ब्लड में आ जाता है और एएसटी एसजीपीटी एसजीओटी वाला टेस्ट यही एंजाइम को ब्लड में पकड़ता है। अब ये ब्लड में लिवर डैमेज, लिवर डिजीज सारे में हाई पाया जाएगा और एक रूटीन लिवर फंक्शन टेस्ट में तो करते ही हैं, साथ में लिवर बीमारी को ट्रैक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, लिवर बीमारी को डायग्नोस करने मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपको लिवर बीमारी के रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या कोई ऐसी दवाएं ले रहे हैं पेन किलर जो लिवर डैमेज कर सकती हैं तो आप ये टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली अगर आपको सिम्टम्स हैं, नौजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, वीकनेस, जॉन्डिया, जॉन्डिस या आपको स्वेलिंग है बॉडी में, डार्क कलर्ड यूरिन आ रही है, इचिंग हो रही है तो आप ये टेस्ट कराएंगे। और ये टेस्ट अगर हाई आता है तो बाकी के सारे टेस्ट्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये टेस्ट और भी एक दो बीमारियों में हाई आ सकता है, जैसे कि एसजी हेपेटाइटिस में आ सकता है, सिरोसिस में आ सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में आ सकता है, पैनक्रियाटाइटिस में आ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स में आ सकता है। सो एसजीओटी और भी अदर बीमारियों के वजह से हाई आ सकता है इसको, लेकिन पीटी एसजीपीटी लिवर के लिए थोड़ा स्पेसिफिक होता है। सो अगर एसजीओटी हाई है तो हमें पैनक्रियाज भी देखने होंगे, हार्ट भी देखना होगा, इन्फेक्शंस के लिए भी देखने होंगे। सो इसीलिए हमें ये समझ के चलना है हर एक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है, राइट। सो अगर आपका एसजीओटी हाई है, पीटी नॉर्मल है, दैट मींस सम अदर प्रॉब्लम, पैनक्रियाज, हार्ट, मोनोन्यूक्लियोसिस कुछ भी हो सकता है, राइट हो सकता है। हमेशा एकदम एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलती है मेडिकल फील्ड में, इसीलिए पेशेंट को देख के, डॉक्टर के एक्सपीरियंस से सही डायग्नोसिस, सही नब्स पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। इट्स नेसेसरी दैट आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से टेलर किया जाए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी उम्र, आपके जेंडर, आपकी डाइट, आपकी दवाई, आपके टाइप ऑफ मेडिकेशन, ये सारे फैक्टर प्ले करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या बीमारी है, ये सब समझ के आपके डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस बनाते हैं। सो दिस इज़ बेसिक अबाउट एसजीओटी एसजीपीटी। अगर एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में सारा कुछ समझ नहीं आया तो फिर से वीडियोज़ देख लीजिए और ज़रूर कोई सवाल है तो नीचे लिखिए, ओके।